हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल ते, जिसका नाम है रीत व्लॉग्स। आप लोगों ने थंबनेल से ऑलरेडी आइडिया लगा ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ। अभी ये जो मेरा है डे टू है, बेसिकली डे वन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज मैं खुद अभी प्रैक्टिस कर रही थी। वीडियो भी अगर साथ साथ बनाती तो माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होना था, तो मैं अच्छे से कर नहीं पाती बिकॉज पेंटिंग करना एक कॉन्सेंट्रेशन का काम होता है, ये मेरे ब्रदर ने बोला था मुझे। तो आज है डे टू, मैं आपको दिखाती हूँ कितना काम मैं कर चुकी हूँ। इसके लिए बेसिकली ना पहले मैंने खूब प्रैक्टिस की है, मैं आपको दिखाती हूँ जितना भी मेरा रफ वर्क था ना। वन सेकेंड, ये देखो, मतलब ये मैंने कलर कॉम्बिनेशंस ट्राई करे थे, देख रही थी इस कलर का मेरा सूट है तो मैं देख रही थी कि कौन सा कलर जो है इस पे सही रहेगा। इसके अलावा और पहले दो कपड़े हैं जिसपे मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना काम मेरा हो चुका है और कितना रहता है, ठीक है। सो ये देखियो, इतना कर चुकी हूँ मैं और ये एक दिन में किया है। बाय द वे मैंने इसके साथ स्लीव्स भी कंप्लीट कर दी हैं। स्लीव्स के ऊपर इस तरह का फ्लावर है, मतलब दोनों स्लीव्स हो चुकी हैं। और ये जो है सूट का फ्रंट पल्ला है जिसके एक साइड पे जा रही है ये वेल, और ये जो है आप देख रहे हो, बाय द वे आप लोग देख लो, जैसे हम ट्रेस वगैरह भी करवा के आए थे तो आप वो सा था मम्मा के शब्द सुन सकते हो, सुन रहा है आपको कि वीडियो ऑन है। ओए अब होगी रिकॉर्डिंग, फिर चार्ज नल करवा दे, करवानी ये भी सुन लो। प्यास निकट नहीं आवे, भूख प्यास निकट नहीं आवे, मोबाइल जब हाथ में आवे, मोबाइल जब हाथ में आवे, मम्मी रोज यही प्रार्थना गावे, मम्मी रोज यही प्रार्थना गावे, तेरे मोबाइल का सत्यानाश हो जावे, तेरे मोबाइल का सत्यानाश हो जावे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, भूख प्यास निकट नहीं आवे, मोबाइल जब हाथ में आवे, मम्मी यही रोज प्रार्थना गावे, तेरे मोबाइल का सत्यानाश हो जावे। आप भी यही प्रार्थना करते हो हैं? हैं? मैं तो अपनी मम्मी की बात बता रही, कौन सा डे है, शायद 6-7 दिन हो गए, शायद 8 दिन भी हो सकते हैं। और दुपट्टे में पहुंच गई हूँ मैं, वन सेकेंड आपको बताती हूँ। सेम चीज है, दुपट्टे पे भी वही चीज करनी है, तो दैट इज व्हाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी डेली। दुपट्टे की जो है 4 कॉर्नर्स के ऊपर बनाना था ना, तो धीरे 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 कर करके जो है ये 3rd कॉर्नर है, आज मैं कोशिश करूंगी कंप्लीट कर दूं। बाकी मुझे पता नहीं है क्योंकि डेली कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो इस वजह से है ना थोड़ा 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 करके हो पा रहा है, बट फाइनली फिनिश हो जाएगा। एंड ये करती हूँ एंड हाँ बस ठीक है, आज के लिए यही अपडेट है। फिर उसके बाद जब मैं स्टिच करेंगे तब मैं आपको जो है दिखाऊंगी एंड फिर रेडी करके प्रॉपरली, ठीक है।
ये देखो, ये एक कॉर्नर और ये दूसरा कॉर्नर हो गया इस तरह से, एंड दिस इज द थर्ड वन एंड फोर्थ वाला ये देखो ट्रेस, इस पे आज काम करेंगे। एंड ये मेरा पूरा मेस पड़ा हुआ है। एंड बाय द वे, ये वाला जो है मुझे रेड और वाइट इतना ज़्यादा लग गया ना, ये मुझे एक एक डिब्बी और मंगवानी पड़ गई है। सो जस्ट इन केस आप लोग जानना चाहो कि कितना कलर लग गया, जस्ट यू नो फॉर टाइम पास। राइट, सो फाइनली गाइज, आफ्टर सो मैनी डेज, बहुत बहुत टाइम के बाद मेरा सूट जो है वो कंप्लीट हो गया, पेंटिंग डन हो गई है। और मम्मा अभी जो है स्टिच करना मम्मा ने स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये अभी जो है सलवार रेडी हो रही है, शर्ट मम्मा कर दिया रेडी हाँ, आपने? शर्ट रेडी है। शर्ट रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद कैसी लग रही है। बाकी वेयर करके जो है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है? मतलब कि आज नहीं, ऑफ कोर्स राखी वाले दिन मैंने पहनना है। तो ये जो है, टुडे इज 2nd ऑफ अगस्त, सेकेंड हो गई है ना आज? हाँ, हाँ, आज एक सेकंड हो गई मतलब है। 2nd अगस्त स्टार्ट हो गई है और मैंने राखी को पहनना है, मतलब कि कल पहनना है, एक और एक दिन पहले एक सूट दिन पहले दिया। सूट तैयार हो रहा है। तो बिकॉज बहुत टाइम लग गया यार उसको, मतलब पेंटिंग करने को मेरा टाइम नहीं निकल पा रहा था ना बीच बीच में, तो फिर भी चलो हो गई है शर्ट। मैं आपको शर्ट दिखाती हूँ।